हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको फिल्टर, जो एसी के फिल्टर होते हैं, उनको साफ रखना चाहिए। नहीं रखोगे तो आके एसी के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, अगर आप एसी के फिल्टर को साफ नहीं करते हो तो उनकी हालत क्या होती है, जिसकी वजह से आके एसी के अंदर कूलिंग आनी बंद हो जाती है, एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके एसी के अंदर फिल्टर का हाल होता है, जिसकी वजह से आपका एयर फ्लो, एसी का एयर फ्लो, एसी की कूलिंग सब बंद हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडो के फिल्टर को कैसे साफ़ किया जाता है। कुछ लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि इंडोर का फ्लैप कैसे खोला जाता है, साइडों से कैसे खुलता है, कैसे फिल्टर निकलते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ये देखिए, ये इंडोर है। इंडोर के अंदर ये दोनों जो साइड होती हैं, साइड में जगह बनी होती है जहाँ से आप इसको पकड़ेंगे तो ऐसे एक साइड से खुल जाएगा और फिर आप इसको दूसरी साइड से भी ऐसे निकाल लीजिए। लॉक होते हैं, आराम से निकल जाएगा, कोई भी निकाल सकता है, बच्चा भी निकाल सकता है। इसको ऐसे ऊपर कर दीजिए, उसके बाद ये दोस्तों फिल्टर हमारे आ गए हैं। अब ये फिल्टर का दोस्तों हाल देखिए क्या हो चुका है। साफ़ नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया है, जो आपके रूम के अंदर एयर होती है ना, ये देखिए, ये देखिए मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी है, पूरा चौक हो चुका है। अभी मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगा, आप देखोगे कितना बुरा हाल है इन एसीओ का, इस फिल्टर का, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल भी गंदी होती है। दूसरा फिल्टर भी ऐसे आराम से निकाल लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, दोनों फिल्टर चौक हो चुके हैं। अब आपको वो इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी दोस्तों, एयर के अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि वो शक करता रहता है एसी और इसकी जितनी भी फिल्टर एयर में मिट्टी है, डस्ट है, वो सारी सारी फिल्टर पे लग जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल गंदी होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, जो एसी का फिल्टर है पूरा का पूरा, ये देखिए चोक हो चुका है, मिट्टी से पूरा चोक है, जिसकी वजह से यहाँ से, ये देखिए, इसके पीछे जगह जाली है जहाँ से हवा शक होती है, हवा एसी खींचता है, और एसी हवा डस्ट होगी तो हवा खींचने में परेशानी होगी, हवा कम खींचेगा तो कम कूलिंग करेगा। तो अभी देखिए मैं झाड़ के दिखाता हूँ, इसको सूखी मिट्टी है, ये देखिए, अगर मैं इसको झाड़ूंगा ना, अभी आप देख रहे हो कितनी मिट्टी, ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है, ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है, भरा पड़ा पूरा का पूरा, अभी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पानी से भी वॉश कर सकते हैं, ऐसे झाड़ लीजिए पहले अच्छी तरह आराम से, ये देखिए कितनी मिट्टी उड़ रही है, कितनी मिट्टी है। ये सिर्फ पहला फिल्टर है, पूरा पूरा मैंने एसी फिल्टर झाड़ दिया है, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल गंदी हो रही थी। मिट्टी देखो कितनी कितनी मोटी मोटी लेयर है, ये देखो कितना साफ हो चुका है फिल्टर, ये देखिए इसके अंदर अब ट्रांसपेरेंट, अब बिल्कुल वाइट हो चुका है। दाने जो इसके अंदर होल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होल है जहाँ से हवा जाती है, पूरी पूरी मिट्टी यहाँ से हट चुकी है। ये देखिए अभी भी, अभी मैं इसको पानी से भी धो दूंगा और इसके बाद 2 मिनट 3 मिनट बाद इसको दोबारा एसी में लगा देंगे। तो दूसरा फिल्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, एक तो साफ़ हो गया था, दूसरा फिल्टर ये देखिए, एक बार मैं आपको साफ़ वाला भी दिखा देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तो है जो अभी मैंने साफ़ किया है, और ये है जिसके अंदर अभी भी मिट्टी है, अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया है। तो दोनों के अंदर फ़र्क देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर, डस्ट थी और हट चुकी है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, एसी के फिल्टर रेगुलर आप साफ़ किया कीजिए, जिससे क्या है, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में एसी कूलिंग नहीं करेगा, इस कंडीशन में एसी कूलिंग बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि उसको डस्ट नहीं है, हवा पास हो रही है और कूलिंग उतनी ज़्यादा ही एयर फ्लो आएगा। इस कंडीशन में हवा कम जाएगी तो एयर फ्लो कम होगा, कूलिंग कम होगी। तो इसको भी मैं झाड़ देता हूँ, ये देखिए मिट्टी, ये देखिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, ये साफ़ हो चुका है ये भी। अब इसको आप पानी से भी वॉश कर सकते हैं, इसके बाद उसको 2-4 मिनट सूखने दीजिए और उसके बाद एसी में लगा दीजिए। तो दोस्तों, एसी का फिल्टर देखिए, दोनों साफ़ हो चुके हैं। इस तरह से दोस्तों आप एसी के फिल्टर को साफ़ कर सकते हैं।
बड़े आसान तरीके से रेगुलर कीजिए, हफ्ते में 10 दिन में रेगुलर करते रहिए, जिससे क्या होगा आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी, एसी कूलिंग बढ़िया करेगा, एयर फ्लो अच्छा होगा और एसी में प्रॉब्लम भी कम आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक बढ़िया टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।